आप सभी भाइयों को नमस्कार। मैं आपका भाई मनोज मौर्य और आप लोग देख रहे हैं मनोज मौर्य शो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आपको बता दें, आज महात्मा ज्योतिबा फूले की पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फूले को उनकी पुण्यतिथि पर सत्य नमन। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे महात्मा ज्योतिबा फूले की उस दुख भरी कहानी की, जिसके बारे में लोग अभी ठीक से नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों आपको सभी बात विस्तार से बताएंगे, तो कृपया वीडियो लास्ट तक देखिए और वीडियो को आगे तक शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों आपको बता दें, कभी स्कूल से निकाल दिए गए थे ज्योतिबा फूले, फिर शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे लेकर आई क्रांति। ज्योतिबा फूले ने साल 1854 में भारत में महिलाओं की शिक्षा के लिए पहला बालिका स्कूल खोला। यह वो दौर था जब लोग स्त्री को शिक्षा देना है तो दूर घर से बाहर निकलने भी नहीं देते थे। ज्योतिबा गोविंदराव फूले को 19वीं सदी का एक सबसे महान समाज सुधारक, विचारक और समाज सेवी, लेखक और क्रांतिकारी माना जाता है। ज्योतिबा फूले ने अपना पूरा जीवन शिक्षा के अधिकार के लिए और समाज के कुप्रथाओं को ख़त्म करने में लगा दिया। जिस ज्योतिबा फूले को बचपन में स्कूल से निकाल दिया गया था, उन्होंने देश में लड़कियों के लिए महिला स्कूल खोला और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लेकर आए। 28 नवंबर 1890 को 63 साल की अवस्था में उनका निधन हो गया था। आज उनकी पुण्यतिथि है। आपको बता दें, 11 अप्रैल 1827 को पुणे की एक माली परिवार में जन्मे थे ज्योतिबा फूले। जब 7 साल के हुए तो उन्हें गांव के स्कूल में भेजा गया। वहां उन्हें जातिगत भेदभाव का शिकार होना पड़ा और स्कूल से निकाल दिया गया। हालांकि इससे शिक्षा के प्रति उनके लक्ष्य पर असर नहीं हुआ, उन्होंने घर पर ही पढ़ाई जारी रखी। 1847 में एक पादरी और शिक्षक ने उनका एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा दिया। महात्मा ज्योतिबा फूले शिक्षा का महत्व समझ चुके थे। वे जानते थे कि समाज में उत्थान के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, खासकर दलितों और महिलाओं का उत्थान। महात्मा ज्योतिबा फूले ने अपना पूरा जीवन वंचित समाज और सोए हुए समाज को जगाने में लगा दिया। ज्योतिबा फूले ने साल 1854 में भारत महिलाओं की शिक्षा के लिए पहला बालिका स्कूल खोला। यह वो दौर था जब स्त्री को शिक्षा देना तो दूर घर से बाहर निकलने तक नहीं जाने देते थे। उन्हें काफ़ी विरोध झेलना पड़ा था। विरोध के ही कारण स्कूल में लड़कियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक भी दिक्कत हो रही थी। फिर उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री बाई फूले को मिशनरीज स्कूल में ट्रेनिंग कर एक शिक्षक के रूप में तैयार किया महिला शिक्षा के क्षेत्र में। इस तरह से वे एक क्रांतिकारी लेकर आए थे। ज्योतिबा फूले ने बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई। इसके साथ ही उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए भी काफी प्रयास किए। उस समय समाज में विधवाओं की हालत बहुत ज्यादा खराब हुआ करती थी, खासकर गर्भवती विधवाओं के। ऐसे में उनके लिए ज्योतिबा फूले ने एक घर खोला जहाँ समाज से निकाली गई ऐसी महिलाएं आकर बच्चे को जन्म दे सकें और रह सकें। उनकी समाज सेवा को देखते हुए 1888 में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। उनके नाम से डाक टिकट भी जारी किए जा चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें, महात्मा ज्योतिबा फूले ने जो दबा कुचला समाज है उसके लिए जगाने के लिए बहुत कोशिश की, और जिन लोगों को मतलब ओबीसी एसटीएससी मतलब इन लोगों को स्कूल में बैठना भी अछूत माना जाता था, तो इन लोगों की पढ़ाई के लिए भी महात्मा ज्योतिबा फूले ने बहुत से लोगों से बुराइयाँ सही और बहुत कुछ महात्मा ज्योतिबा फूले के साथ गलत हुआ था। फिर भी महात्मा ज्योतिबा फूले अपने मिशन के लिए डटे रहे और कभी भी पीछे हटे। तो दोस्तों ये थी महात्मा ज्योतिबा फूले की एक दर्द भरी कहानी, जब उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। अगर दोस्तों आपको महात्मा ज्योतिबा फूले की एक दुख भरी कहानी सुनकर अगर थोड़ा भी दुख हुआ हो ना, तो इस वीडियो को आगे तक शेयर करो, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी महात्मा ज्योतिबा फूले के बारे में जान सके। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।